हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ अक्षय शर्मा। आज मैं रिव्यू करूँगा बोलेरो कैंपर का। दोस्तों, इस बोलेरो कैंपर हमने बहुत सी मॉडिफिकेशंस करवा रखी है, तो उन सब के बारे में भी वीडियो में जानकारी दे दूँगा। चलिए गाड़ी के फ्रंट लुक से शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ फ्रंट लुक है हमें, इसमें ऐसे कुछ बिल्कुल सिंपल महिंद्रा के हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इसमें हमें ये मिलती है अपने, ये होते हैं बिल्कुल हेलोजन बेस्ड। इनमें एलईडी का या प्रोजेक्टर का कोई हमें सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पे पार्किंग लाइट, यहाँ पे लॉबी में भी, और ये पूरा अपने इंडिकेटर की यूनिट मिल जाती है। बीच में ऐसी कुछ हमें मिलती है ग्रिल, और यहाँ पे हमने फॉग लैंप एड ऑन करा है इसमें। ये एसेसरी का पार्ट है, और यहाँ मिलता है रिफ्लेक्टर वाइट कलर का। और दोस्तों, यहाँ मिलता है टोइंग हुक, और आगे से यही कुछ था। और ये दोस्तों, कार की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है। अब बात करें कार के साइड लुक की, तो ऐसा कुछ साइड लुक है। हमने इसमें ये 15 इंच के डायमंड का अलॉय व्हील एड ऑन करा रखे हैं, जिनकी प्रोफाइल है 235/75R15। दोस्तों, इससे कार का लुक बहुत ही शानदार निकल कर आता है। यहाँ पर हमें बोलेरो कैंपर गोल्ड ZX की ब्रांडिंग मिल जाती है, और इसमें हमें साइड ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि रेड और गोल्ड कलर के हैं, जिससे कार का लुक काफ़ी हद तक एनहेंस हो जाता है। और यहाँ मिलते हैं हमें डोर वाइजर, जो कि हमने एड ऑन करवाए गए हैं, और हमें ब्लैक कलर का इसमें ओवरवे मिल जाता है। और यहाँ पर हमें इंडिकेटर की यूनिट मिलती है, इससे कुछ सिंपल सी। और दोस्तों, यहाँ पर हमें फुट स्टैम मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ हमें फुट रेस्ट मिल जाता है, ये ऐसे कुछ है कार की लुक। और पीछे हम आप देख पा रहे होंगे ये क्या है। दोस्तों, हमको क्या है, पीछे से गाड़ी पैक चाहिए थी, तो हमने पूरा ही मॉडिफाई करा रखा है। आप इसको मत देखिएगा, ये थोड़ा कलर वगैरह उतर चुका है, और पीछे से ऐसा कुछ लग मिल जाता है। दोस्तों, हम इसमें आगे मिल जाते हैं सस्पेंशन, और हमें पीछे मिलती है कोयल स्प्रिंग, मतलब पट्टे घुमानी। ठीक है, ऐसे कुछ पट्टे घुमाने का सिस्टम मिलता है पूरा। दोस्तों, हम पट्टे घुमाने से बढ़वा के इसको ऊंची या नीची अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ इसका रियल लुक, इसका रियल लुक दोस्तों बहुत ही अच्छा निकल कर आ रहा है। देखिए, हमने पूरा इसमें ऊपर अपने मॉडिफिकेशन करवा रखी है। ये हमें हाई स्टॉप लैंप यहाँ मिल जाता है। दोस्तों, ये खोलने के लिए हमें ऐसा कुछ इसको करके ऐसे खुल जाएगा। फिर दोस्तों, ये डाला सिंपल जैसे कैंपर में आता है, खुलेगा तो हमें इसमें 1000 किलो, मतलब 1 टन के लोड कैपेसिटी मिलती है। देख लीजिए, हमने इसमें कुंदा वगैरह लगा के पूरा देसी जुगाड़ करके पक्का काम कर रखा है। यहाँ ऐसे कुछ कुंदे मिलते हैं, ये देख लीजिए, पूरा यहाँ सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर हमने रबड़ लगा के पूरी पैकिंग करा रखी है, देख लीजिए पूरा लुक। इसको हम ऐसे सिंपली बंद कर देंगे। ये हमने दो इसमें हाइड्रोलिक लगे हुए हैं, जिनसे अपना ये पंप काम करता है, ऐसे ही बंद हो जाएगा। दोस्तों, पीछे हमने ये बम्पर लगा रखा है ऊपर ठंडने के लिए, और इसमें रियर कैमरा भी इंस्टॉल करवा रखा है, और यहाँ पर हमें कुछ सेफ्टी गार्ड भी मिल जाते हैं। रियर पार्किंग सेंसर आप जो नया मॉडल आ रहा है उसमें दे दिए गए हैं, पर इसमें नहीं है। और पीछे हमें सिंपल ये 20 साल पुराने टेल लैंप मिल जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको कार के अंदर बैठकर दिखाता हूँ कि कार के अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। दोस्तों, हमें ऐसी कुछ इसमें की मिलती है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही वाहियात है। ये रबड़ टूट चुका है इसका डोर हैंडल, ऐसे कुछ खोलेंगे हम। दोस्तों, ऐसा कुछ इसका ड्राइवर साइड डोर, जहाँ पर हमें ये लेदर मिल जाता है बहुत ही शानदार क्वालिटी का। और हत्ता यहाँ पर हमें मिलती है टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर फ्यूज बॉक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हमें मिल रहा है फ्यूज बॉक्स। और ये बोलेरो की स्कर्फ प्लेट मिल जाती है हमें, और एक कुंदा सिंपल टाइप हमें मिल जाता है। दोस्तों, ऐसा कुछ लुक है इसके इंटीरियर का। ये सीटें इसकी बहुत ही कंफर्टेबल सीटें हैं, तो मैं आपको इसके अंदर के सभी फीचर समझा देता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा कुछ डैशबोर्ड है इसका, मैं इसका इग्निशन भी ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर हमें इल्यूमिनेटेड मिल जाता है, जो इसका स्पीडोमीटर है पूरा हमें मिलता है डिजिटल। देख लीजिए, गाड़ी 53,000 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पर हमें मैनुअल एसी वगैरह मिलता है, यहाँ पर मिल जाते हैं हमें हजार लैंप का बटन, यहाँ पर हमें वो मिल जाता है डिफोगर। डैशबोर्ड की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। बीच में मिलता है सेंटर कंसोल में हमें ये मिलती है फिनिशिंग, ये थोड़ी लकड़ी की फिनिशिंग है। बीच हमने गणेश जी बैठा रखे हैं। हमें इसमें सोने का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो हमने कंपनी में एड ऑन करवाए गए। यहाँ हमें मिलते हैं एसी के स्विच, फैन की
स्पीड काफी अच्छी है, इसका एसी बहुत ही इफेक्टिव है। कितनी गर्मी हो ये 5 मिनट में पूरी कार को ठंडा कर देता है। ऐसा कुछ हमें इसमें ग्लोव बॉक्स मिलता है, इसमें टोटल 4 ग्लोव बॉक्स मिल जाते हैं, 4 एसी वेंट है, 1 2 3 4। और उस तो आप बात करेंगे यार, हमने सोने का मेरे सिस्टम तो लगा लिया, अब इसमें FM कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमने यहाँ एंटीना लगा हुआ है। और ये बैक कैमरे के लिए आप देख पा रहे होंगे दूसरा कैमरा थोड़ा ख़राब हो चुका है, अब नया लगवाएंगे। ऐसे कुछ क्वालिटी है बैक कैमरे की जो कि बहुत ही ख़राब है। और दोस्तों यहाँ भी मिल जाते हैं वैनिटी मिरर, को पैसेंजर साइड हमें कांच मिल जाता है। तो बात करें रियर स्पेस की, तो हमें इसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जैसी क्वालिटी ये थोड़ा इसका रंग घिस जाता है समय के साथ, मैनुअल हैंड ब्रेक। इसमें हमें ऑल 4 पावर विंडोज का ऑप्शन मिल जाता है, या स्पेस 2 सीट बेल्ट मिल जाती है, और ऐसा कुछ इसका को पैसेंजर साइड डोर, यहाँ हमें हैलोजन लाइट्स मिल जाती है। और दोस्तों ये स्टिकर महिंद्रा अपनी हर बोलेरो में लगा के देता है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम हमें इसे हटाने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ हमें वित्तीय हमेशा की फ्रेंडिंग मिल जाती है। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फॉग लैंप का स्विच और ये हेड लैंप लेवल का स्विच मिल जाता है। मैं आपको रियर में चलता हूँ, रियर डोर कुछ ऐसा है। और दोस्तों ये कार आती तो 5 सीटर है, पर हमें 5 सीटर की नीड नहीं थी, इसलिए हमने इसकी सीट हटा के अपने काम में ले ली है। यहाँ पर हम इसका प्लेट, और ये दोस्तों ये पट्टे कमाने वाला सिस्टम बहुत ही ख़राब है। मैं महिंद्रा से कहना चाहूँगा कि इनको कृपया जल्दी से जल्दी चेंज करें, ये 6 महीने में टूट जाते हैं, फिर इनको रिप्लेस कराना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसे कुछ सीट्स मिल जाते हैं खुले खुले से ही। और यहाँ पर हमने पीछे पैक करवा रखा है, इसलिए हमने थोड़ा ये काम सही करवा रखा है। हमें हैंडल मिल जाते हैं पकड़ने छड़ने के लिए। और दोस्तों आपको इसकी छत बताऊँ, तो यह छत हमने एड ऑन करवाई है। दोस्तों अगर आफ्टर मार्केट आप कोई भी काम करते हैं तो सक्सेस नहीं है, और सक्सेस है तो आपको अच्छी जगह से काम कराना पड़ेगा। हमने काम बहुत अच्छी जगह से कराया, पर थोड़ा हो गया। और दोस्तों रियर लुक आप वापस देख लीजिए। बहुत से भाइयों के कमेंट आएंगे कि आपने काम घर से करवाया, तो आप ये सब जानने के लिए नीचे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा। ऐसा कुछ दोस्तों लुक है, यहाँ पर हमने सब पूरा काम करवा रखा है। अब मैं आपको इसका बोनट खोल के इंजन दिखा देता हूँ। इसका बोनट हम खोलेंगे, बोनट सिंपल अंदर से खुलता है, ये हमारा कार्तिक बोनट खोल रहा है। तो दोस्तों ये कार्तिक ने बोनट खोल दिया। तो दोस्तों हमें इसमें 2.5 लीटर का M2DI SCR इंजन मिल जाता है। इसमें हमें 75 BHP का 75 BHP मिलती है, और 200 Nm का टॉर्क। मैं आपको कार की साउंड चेक करा देता हूँ, स्टार्ट कर। तो दोस्तों ऐसी कुछ साउंड है बोलेरो कैंपर की, बंद कर देते हैं। ये देख लीजिए ये BS4 वाला इंजन है। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो रेगुलर देखनी है और आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।